कुत्ता बना हो गया भाई, अब दो यार ऐसी जवान लड़कियों पे कोई वो नहीं है रोक टोक। साला कोई मरीज कर दे तो दिक्कत, जवान लड़कियों को सब अलाउड है। साले हम तो अपनी जिंदगी नछावर कर रहे हैं आपके लिए। ओ बहन चोद पागल। ओ भाई ये देखो सामने, ओ भाई पहली बार देखिए भाई। ओ भाई ये भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो भाई अभी आप ये देख लो सब अभी जीरो है इसके अंदर, और अभी स्टार्ट कर रहे हैं भाई हम डे नंबर 29, और ये चल रहा है भाई हमारा 30 डेज 30 वीडियो चैलेंज, जिसमें हम आपको डेली I20 ड्राइव करके दिखा रहे हैं, और दो दिन बचे हैं अब इसको अपलोड करने के बाद, एक दिन और बचेगा तो ये अपनी सीरीज हो जाएगी ओवर। और आपको मैं रिकमेंड करता हूँ डे नंबर 21 जरूर देखना, और वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। इस वीडियो में आपको I20 के बारे में पता चलेगा, और पता चलेगा कि रोड पे क्या कुछ चल रहा है। और वैसे भाई हम रेगुलर आपके लिए वीडियोस लेके आते ही रहते हैं, अब दो दिन बचे हैं फाइनली। अगर आपको देख लो पसंद आ रही है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपके लिए और वीडियो ऐसी लेके आता रहूंगा। फाइनली बाहर चलते हैं, और मैं आपको बेसमेंट में हूं अभी, तो आपको एक चीज और दिखाऊंगा कि इसमें पावर का इशू है या नहीं है, वो आपको दिखाता हूँ। तो ये भाई अभी इसकी पावर देखो आप, ये अभी बिल्कुल खड़ी वो है स्लोप, यहाँ पे आप देखो ये इतनी रखनी पड़ती है तब जाके भाई कहीं ये 10 या 12 की स्पीड गेन करती है। और भाई इसके मतलब पावर ठीक ठाक है, एसी चला लो तो और ये पावर कम हो जाती है यार, तो मेरे को मतलब सफिशिएंट लगी नहीं, मतलब ओके है यार। अगर आपको जस्ट ड्राइविंग करनी है, आपको कोई फन नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, तो जस्ट ओके है, कोई बहुत विशेष कोई अच्छी ड्राइविंग नहीं मिलती इसके अंदर आपको। तो वैसे लोग यार बेसमेंट में भी बहुत बदतमीजी से चलाते हैं, किसी को रुकना नहीं, कोई किसी को तमीज नहीं है, किसी को रुकना पसंद नहीं है, कुछ नहीं पसंद। अभी भी मैं ही रोक रहा हूँ, लोग तो बस अनस्टॉपेबल्स की तरह लाए जा रहे हैं, रोकना नहीं है एक मिनट भी। तो भाई बदतमीजी है यार, मैं सोसाइटी में हूँ ना इसलिए दिखा नहीं सकता। तो अभी बाइक वाला निकला, वो भी ऐसे मतलब ना देख रहा ना कुछ कर रहा। अभी भाई भीड़ देखो, टाइम देखो, और भाई भीड़ अभी से ही देखो, कम से कम भाई यहाँ पे 1 2 3 4 भाई यहाँ पे कम से कम नहीं तो 15 गाड़ी खड़ी है अभी जरा से एरिया में, बिल्कुल 15 गाड़ी कम से कम बता रहा हूँ। तो भाई देख लो यार अभी 7:30 बजे ऐसा है ना ऑफिस का टाइम वगैरह है, तो इस समय भीड़ देख लो बस आप, ये देखो भीड़ भाई यहाँ पे कम से कम भाई 15 गाड़ियाँ खड़ी थी जरा से एरिया में देख लो आप, बिल्कुल मैं मतलब ये देखो आई गया इतने से एरिया में, ये इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी थी, और रेड लाइट पे तो भाई वैसे भी जाम बढ़ता ही है। आज मेरी एनर्जी डाउन है, शायद आपको पता भी चल रहा होगा, तबीयत खराब नहीं है बस ऐसे ही एनर्जी डाउन है सो है। तो फिलहाल 0.6 किलोमीटर चल चुकी है, 4.2 का माइलेज शो कर रही है। अब शो कर रही है भाई, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि भाई इसमें ये जो स्ट्रिप है ना, अभी आप देखो मैं इसको बढ़ा रहा हूँ स्पीड, जैसे जैसे बढ़ा रहा हूँ ये स्ट्रिप जो है चेंज होती रहेगी। ये जो 4.9 के नीचे आपको ये स्ट्रिप दिख रही है ना लाइन सी, तो वो देखो चेंज होती रहती है। मैं जैसे जैसे स्पीड मेरी चेंज होती रहेगी वैसे वैसे ये भी चेंज होती रहेगी। मैंने आरपीएम डाउन करी, ये अपना स्ट्रिप देखो कैसे बढ़ गई। तो भाई ये ऐसे ही, आप जितना आरपीएम कम रखोगे, जितना पेडल पे अपना पैर जो है वो लाइट रखोगे, उतना ज्यादा आपको ये माइलेज दिखाने वाली है। और ये स्ट्रिप जो है, ये लाइन जितने भी नंबर पे रहती है ना, उतना आपको माइलेज आपको देगी ही देगी। मान लो 30 पे है ना, तो आपको उस टाइम पे आपको 30 का माइलेज मिल रहा है, तो आप ये मत सोचना कि भाई अगर ऊपर 6.4 का माइलेज दिख रहा है तो 6.4 का दे रही है। नहीं भाई, ये स्ट्रिप जितने पे होती है ना उतने का ही माइलेज मिलता है। और भाई ओ भाई ये देखो सामने ऐसे टॉप है भाई, अभी गिर गिरा जाते। ओ भाई पहली बार देखी भाई आयोनिक 5 हुंडई की, बहुत प्यारी लग रही है यार गाड़ी, ये देखो ये रही पहली बार देखी भाई मैंने रोड पे हुंडई की आयोनिक 5, यार मस्त लग रही है। इलेक्ट्रिक में सबसे ज्यादा डिमांड जो है अभी नेक्सॉन की है सबसे ज्यादा। अभी भाई फिलहाल रेड लाइट पे खड़ा हूँ, भीड़ देखो आप एक बार, मतलब बहुत ज्यादा भीड़ है यार, मतलब इतनी भीड़ देख देख के तो रोजाना परेशान हो गया। मतलब रेजिडेंशियल एरिया में रहता हूँ मैं, फिर भी यार इतनी मतलब भीड़ अच्छी बात नहीं है कि रेजिडेंशियल में इतनी भीड़ होना, रेड लाइट्स होना। ये देखो यार सेकंडों में भर जाती है यार भीड़। आज यार एनर्जी पता नहीं डाउन क्या, समझ नहीं आ रहा, तबियत भी खराब नहीं है लेकिन फिर भी एनर्जी डाउन लग रही है। स्कूटी वाला बंदा, इसे बहुत जल्दी हो रही है। सबको करने दो जो करना है, कुछ मत बोलो। तो भाई अभी मैं आपको दिखाऊं तो ये चल चुकी है 2.8 किलोमीटर और 9.8 KMPL का माइलेज शो कर रही है। मेरे को जाना लेफ्ट, लेकिन गाड़ी कह रहा हूँ साइकिल वाला बंदा खड़ा हो गया है। ओ भाई ये भाई क्या हो रहा है। तो भाई अभी चल चुकी है 3.3 किलोमीटर और 9.9 KMPL का माइलेज शो कर रही है, और 11 मिनट हमें हो चुके हैं ड्राइव करते करते। भाई एक चीज मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो अभी जैसे चल रही है ना, एक्सेलेरेटर दबा पड़ा, मैं ब्रेक दबाऊंगा तो पावर कट कर देता भाई। ये नहीं कि ब्रेक से गाड़ी रुकने लग जाए, ब्रेक दबाती पावर ही कट हो जाती, पावर ही नहीं देता वो। इधर देखो कितनी भीड़ है, यहाँ देखो कितनी भीड़ उधर से आने वालों की, उधर से कम आ रहे हैं भाई। ये देखो कितनी जल्दी है घर पहुंचने की। ओ बहन चोद पागल, भाई क्या आदमी है यार,
बताओ यार, तमीज नहीं कुछ नहीं यार, हद हो गई यार बिल्कुल ही। मतलब बिल्कुल ही सबर नहीं है भाई बंदे में, बिल्कुल सबर नहीं है भाई बंदे में यार, कुत्ता बना हो गया भाई, हद हो गई यार बिल्कुल ही। तमीज नहीं यार कुछ नहीं है, लोग बिना हेलमेट के चल रहे हैं। ये देखो भाई दो लेडीज जा रही है सामने, इस पे देखो दोनों पे ही भाई हेलमेट नहीं है, आप देखो दोनों ही ऐश उड़ा रहे हैं। ये देखो दोनों पे ही हेलमेट नहीं है, दोनों या तो एक साथ है, देखो बातें भी कर रहे हैं भाई, दोनों पे ही हेलमेट नहीं है। हम ना पहने, मेरी मदर ने एक बार हेलमेट नहीं पहना था तो चलान आ गया भाई, मैं डॉक्टर को दिखा के आ रहा था, पीछे बैठा था, हेलमेट नहीं था, चलान आ गया भाई। मतलब बूढ़ों पे मरीजों पे वो है, ऐसी जवान लड़कियों पे कोई वो नहीं है रोक टोक। आप ये देखो ये क्या चल रहा है ये देश में, ये कानून खराब है साला, दिमाग खराब हो रहा है भाई मेरा ये सब चीजें देख के। बताओ यार हद होती है, जवान लड़कियों पे कोई रोक टोक नहीं, जवान लड़कियां उल्लंघन करे कानून का सब माफ है उनको, हम करते तो साला कोई मरीज करते तो दिक्कत, कोई बुजुर्ग आदमी कोई एजेड आदमी करते तो साली दिक्कत, जवान लड़कियों को सब अलाउड है साले। इन भाई साहब को जल्दी हो रही, जाओ भाई साहब आप जाओ पहले, भाई साहब जाओ UP16BX6051 आप जाइए भाई साहब, हम तो अपनी जिंदगी नछावर कर रहे हैं आपके लिए, जाइए आप। बदतमीज साले, दिमाग खराब करते हैं भाई, ऐसा थोड़ी ना होता यार, थोड़ी तो एटलीस्ट यार तमीज रखो अपने अंदर भाई। अभी तो मैं भी तेज ही लिया यार बिल्कुल ही, मतलब क्योंकि रेड लाइट होने वाली थी तो बस मैं ले ही आया जैसे तैसे। तो भाई वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और यार जो भी ऐसे बदतमीजी से चला रहा है ना उसका नंबर लेके जरूर ट्विटर पे डालो यार मेरे को, तो भाई अब मैं मतलब हाथ जोड़ रहा हूँ इन बदतमीजों से, मेरे को अब ये पसंद नहीं आती। और कानून भाई, कानून इतना बायस कब से हो गया, मतलब बुजुर्गों के लिए मरीजों के लिए तो तुम्हारे सारे कानून बने हुए हैं, कोई जवान लड़की आ जाए तो उसको सारे कानून माफ है तुम्हारे, यार ऐसा थोड़ी ना होता है यार। चलो भाई ठीक है, थैंक यू।